माय चैनल फूड पॉकेट। आज हम बनाएंगे मखाने की लड्डू। आइए फिर बनाते हैं। मखाने के लड्डू बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक पैन लेना है। उसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। इसको घी को मेल्ट होने दीजिए। हमने 2 टेबलस्पून लिया है, आपको ज़रूरत होगी तो आप ले सकते हैं बाद में। इसमें हम डालेंगे हमारी, मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ली हूँ, ये देखिए काजू, पिस्ता, बादाम और चिरौंजी मैं थोड़ी सी ली हूँ, और इसमें जो खरबूजे के बीज आते हैं जो वो भी ली हूँ मैं थोड़ा सा। ये सारे को हम रोस्ट करेंगे। मीडियम आंच पे हमें लेनी है, मीडियम आंच रखनी है रोस्ट के टाइम। ये देखिए हमारी ड्राई फ्रूट सारे रोस्ट हो गए, मैं इसे अभी निकाल दे रही हूँ। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स है आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप कोई सा भी डाल सकते हैं। उसी घी में मैं थोड़ा सा नारियल, जो सूखी नारियल आते हैं ना उसको, ड्राई कोकोनट, उसको मैं थोड़ी सी काट के डाल रही हूँ। इसको भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, इसके बदले में आप डेसिकेटेड जो कोकोनट आते हैं नारियल की बुरादा वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए हम इस उसी में ही निकाल देंगे। उसी घी में मैं डाल रही हूँ 2 कप मखाने। इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे और इसको हम ऐसे भुनेंगे। ये भी मीडियम फ्लेम पे ही भुना जाएगा, रोस्ट होगा, और जैसे इसकी कलर चेंज हो जाएंगे आपको पता चल जाएगा। आप हाथों से भी दबा के देख सकते हैं ये रोस्ट हुआ है कि नहीं। अब इसे भी रोस्ट कर लेते हैं। हमारे मखाने रोस्ट हो गए हैं, आप ऐसे चेक कर, गर्म है ये देखिए, क्रश हो रहा है, मतलब हमारी ये रोस्ट हो गए हैं। फिर मैं इसे अभी ग्राइंड के लिए ले जाऊंगी। हमारे जो ड्राई फ्रूट्स थे हमें इसके इसमें से ना थोड़ा सा रख रही हूँ, इसको अलग से मैं ग्राइंड करूँगी। क्यों कैसे करना है मैं बाद में आपको दिखाऊँगी। पहले ये जो हमारी है बची हुई, ये जो ड्राई फ्रूट्स है पहले इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं ग्राइंडिंग जार में लेके। हमारी ये ग्राइंड हो गए हैं, हमें ज़्यादा फाइन नहीं करनी है। ये देखिए हमने ले लिया है इसे। ये हमारा ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड हो गया है और अब मैं इसमें ग्राइंडिंग जार में मखाने, जो हमारा ड्राई मखाना, उसको मैं ग्राइंडिंग जार में डाल रही हूँ। इसको भी हम अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे ड्राई फ्रूट्स की तरह। हमारे मखाना भी ग्राइंड हो गए हैं, ये देखिए, इसे भी बॉल में मैं निकाल देती हूँ। अब मैं जो ड्राई फ्रूट्स निकाल के रखी थी उसको भी ग्राइंडिंग जार में लेके हम मतलब दरदरा पीसेंगे, पूरा फाइन नहीं करेंगे, दरदरा पीसेंगे, क्योंकि लड्डू में थोड़ा क्रंची रहेगा ना तो अच्छा लगेगा लड्डू। आप जैसे आप उसके साथ सारे भी पीस के भी कर सकते हैं, आप ऐसे ना करके सारे ग्राइंडिंग एक साथ में करके भी कर सकते हैं। ये हमने ग्राइंड कर लिया है, दरदरा हमने पीसा है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। सारे मिक्सचर को ले लेंगे। ये देखिए हमने सारा निकाल दिया है। इसमें थोड़ा सा मिठास देने के लिए और इसको बाइंड करने के लिए लड्डू को हमें मीठा तो चाहिए, तो मैं इसमें शुगर नहीं डाल रही हूँ, मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ। मैंने 1 कप गुड़ लिया है और इसको अभी पैन में हम रख के गरम करके फिर इसमें डालेंगे। हमने पैन में गुड़ ले लिए, इसमें थोड़ा सा ना, ये देखिए मेल्ट थोड़ा होने लगा है, ये गरम था पैन हमारा, तो इसमें मैं ना पानी दूंगी थोड़ा सा, मतलब
जैसे 1 टेबल स्पून जैसे होता है ना उस टाइप में, ज़्यादा नहीं देनी है इसमें, थोड़ा मेल्ट अच्छी तरह हो जाएंगे ना गुड़। और इस स्टेज में हमें फ्लेम सिम पे रखनी है। इसमें थोड़ा सा फ्लेवर के लिए ना मैं इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून। हमारा ये गुड़ अभी देखिए होने लगा है, थोड़ा सा और ये होगा कुक होगा, फिर मैं सारे हमारी जो मिक्स जैसे हमारी मिक्सचर सारे बनी थी ना हमने ग्राइंडिंग करके रखा था, वो सारे इसमें अभी धीरे धीरे डाल के मिक्स करेंगे। ये देखिए इसमें मैं ये जितनी भी ड्राई फ्रूट्स थे हमारी इसमें मैं डाल के इसको अच्छी तरह स्टेयर करूँगी। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इससे ये जैसे पैन है ना, पैन तो ऐसे भी गर्म है, इसको थोड़ी देर हम ऐसे चलाते रहेंगे। मैं अभी इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर रही हूँ। अरे ये मिक्सचर थोड़ी ठंडे होने के बाद ही हम इसको लड्डू के शेप देंगे। और जैसे ये थोड़ा गीली है क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा जैसे गुड़ डाली हूँ, तो ये होगा जिसका मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई हो तो उसमें वो मिल्क भी थोड़ा सा डाल के उसको लड्डू के शेप दे सकते हैं। ये थोड़ा ठंडे होने के बाद ही मैं करूँगी, थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी इसे। अब हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे बाइंड अप होने के लिए। और हाथों में आप घी लगा के ऐसे और ऐसे थोड़े थोड़े लेके, गरम थोड़ा है और लड्डू का ही शेप देना है हमें। हम अभी ऐसे लड्डू बहुत सारे बना के जितने भी है मिक्सचर सारे बना के अभी रख लेंगे। हमारे ये मखाने के लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है और ये नवरात्रि में आप जैसे व्रत वाले जो व्रत रखते हैं वो खा सकते हैं और ये जल्दी बनता भी है। और भरपूर मात्रा में इसमें ड्राई फ्रूट्स आप डालिए जैसे आपको अच्छा लगे, और ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी नवरात्रि।